हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में। इंडियाज मोस्ट हैंडसम मैन, बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से पहचान बनाने वाले ऋतिक रोशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर अपने लुक के लिए सुर्खियां बटोरने वाले इस बॉलीवुड के नायक की कुछ दिलचस्प बातें। 20 जनवरी 2011 को लंदन के तुसाद वैक्स म्यूजियम में ऋतिक का मोम का पुतला लगाया गया। ऋतिक भारत के पांचवे ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें इस संग्रहालय में जगह मिली है। बिजनेस माइंडेड, ऋतिक सिर्फ फिल्म मेकिंग और एंडोर्समेंट से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो फैट बर्गर रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। इसके अलावा उनके नाम से एक परफ्यूम भी बाजार में है, विद लव ऑफ ऋतिक। और वहीं एक तरफ 2013-14 में बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर के तौर पर सामने आए थे। ऋतिक को लग्जरी कार्स का भी बहुत शौक है। उनके पास लग्जरी कारों का बेहतरीन काफिला है। उनके काफिले में रॉयल्स रॉय, मर्सिडीज, जैगुआर, फेरारी, मजराटी, पोर्स कैनरे, रेंज रोवर, बेंटले और भी बहुत सी लग्जरी कारें उनके काफिले में शामिल हैं। इंटरनेशनल कंपनियों की सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर ऋतिक कई इंटरनेशनल कंपनियों के पसंद हैं। वो इन कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। एसर लैपटॉप, कोका कोला, हीरो होंडा बाइक, आईबॉल स्लाइड, इंटेल, लिबर्टी शूज, माउंटेन ड्यू सोडा, राडो वॉचेस, रिलायंस मोबाइल, जे हैम स्टेट फोटोशूट, जोया लुकास ज्वेलर, सोनी रैक्सन मोबाइल और भी कई कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। आलीशान बंगलों के मालिक ऋतिक के पास दिल्ली और मुंबई में कई घर हैं। मुंबई के जिस घर में वो रहते हैं उसकी मार्केट वैल्यू करीब 84 करोड़ के आसपास है। जुहू में फैले इस 3000 वर्ग फीट के आलीशान बंगले को हाल ही में रेनोवेट कराया गया है। और इन सब बातों के अलावा वो दो बच्चों के पिता भी हैं और एक भावुक पिता के तौर पर हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।